एक गांव में एक किशन गरीबी के दिनों में अपने परिवार के साथ जीवन बीता रहा था। किशन के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी रहती थी। किशन की बेटी को पढ़ाई में काफी दिलचस्प थी, लेकिन किशन के आर्थिक परिस्थिति सही ना होने के वजह से वो काफी दुखी रहता था और इसी वजह से अपनी बेटी को भी वो चिल्ला देता था। इसलिए किशन की बेटी उनकी पिता को पढ़ाई की बात कहने से डरती थी और किशन की पत्नी भी। वो अपने पति से जुदा ना हो जाए इसी वजह से वो अपने बच्ची के लिए खामोश रहती थी। कुछ साल ऐसे ही बिट गया। एक दिन उस किसान के घर में एक स्वामी जी अपने संन्यास के दौरान उस किशन के घर में जा पहुंचते हैं और किशन की पत्नी उस स्वामी जी को बढ़िया भोजन बनाकर खिलाती है। विश्राम के दौरान स्वामी जी किशन की बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती है। तब किशन की पत्नी स्वामी जी को बड़े दुख के साथ बताती है, स्वामी जी क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। मुश्किल से दो वक्त का खाना निकल पाते हैं और मेरे पति भी आर्थिक परिस्थिति की वजह से इस बच्ची की पढ़ाई के खिलाफ है। तब वो स्वामी जी सभी बातें समझ जाती है। अंत में जाते समय वो स्वामी जी किशन के पत्नी को अपने सामान में से अनाज की एक छोटी सी पोटली थमाकर बोलते हैं, मेजो अपना संन्यास पूरा करके यहां से लौटेंगे, तब तक ये अनाज की पोटली तुम संभाल कर रखना। स्वामी जी ने अपने सामान में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोटली केऊ थमा दी है और वो केऊ रख कर गए। किशन की पत्नी स्वामी जी का ये उद्देश्य समझ नहीं पता है। स्वामी जी वहां से किशन की पत्नी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, लेकिन किशन की पत्नी अब दुविधा में थी। ये बात किशन की पत्नी को समझ नहीं आ रही थी और एक दिन यूं ही चला जाता है। अगले दिन सुबह किशन अपनी पत्नी से कहता है, अरे जरा सुनो तो, इस बार फसल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर आने वाले साल में हम करें तो क्या करें। और काफी परेशानी में थी किसान और उसकी पत्नी। और जब फसल ही नहीं होगी तो अपनी बच्ची की पढ़ाई भी कैसे करवाएंगे। बारिश का समय शुरू हो रहा था। बारिश को देखते हुए ही किशन की पत्नी को स्वामी जी के साथ का वो दिन याद आता है और किशन की पत्नी सोचते हैं कि स्वामी जी के आने तक फसल तैयार हो ही जाएगी। उसी सोच के साथ किशन और उसकी पत्नी स्वामी जी की पोटली में हुआ अनाज फसल के लिए खेत में डाल देता है। किशन और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत कर रहे थे और इसी साल बारिश भी अच्छी तरह शुरू हुई थी। कुछ दिन बिट जटा है और फसलों में सोने के दाने जैसे ढेर सारा अनाज निकलता है। और इसके साथ ही किशन के घर में बड़ी ही खुशी सा जाती है, क्योंकि अब उस किशन की बेटी पढ़ने लिखने के लिए जा पाएगी और किशन और उसकी पत्नी फैसला ले लेते हैं कि उसकी बेटी को स्वामी जी के आश्रम में पढ़ाई लिखाई के लिए रखाएंगे और वहां स्वामी जी जितना अनाज उन्होंने दिए थे उसे दो गुना अनाज हम उनके पास लेकर जाएंगे। किशन और उसकी पत्नी स्वामी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। किशन की पत्नी स्वामी जी को याद दिलाते हुए एक साल पहले की घटना स्वामी जी को बताती है और अनाज को सोईकर करने के लिए बोलती है। तब स्वामी जी किशन और उसकी पत्नी को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन तारीफ तुम्हारी सोच पर करनी चाहिए, क्योंकि बोह अनाज को तुमने उगाया है और मेहनत से तुमने इस फसल को पकाया है। स्वामी जी किशन और उसकी पत्नी से बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और किशन की बच्ची को अपने आश्रम में पढ़ाई लिखाई मुफ्त में करवाने की बात रखती है। सास में किसी ने क्या खूब बात कही, ऊपर वाला जब भी हमारे बारे में सोचता है तब सिर्फ इशारों को समझना चाहिए। वो ढेरों खुशियां लेकर हमारे हाथ में थामा ही देता है।